ऋषियों के मुनियों के आश्रमों में उनको उपदेश सुनाता है, जो उनकी इच्छा थी उनको दिखाते घुमाते वापस लौट करके आता है। आज इतिहास के पन्नों पर मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार का उदाहरण हमारे सामने बना हुआ है। व्रत कीजिए आप कि हम अपने माता पिता, अपने सास ससुर, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई सेवा की कमी नहीं हो। ये भारत की संस्कृति है। मुझे रास्ते में आदरणीय रमाकांत जी बात कर रहे थे, रोज पूछ लेते हैं कोई नई बात। आज भी कहने लगे कि स्वामी जी ऐसा लगता है आने वाले समय में सब चीजें मशीन से हुआ करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको पता है आजकल एक मशीन बन गई है जिसका नाम रोबोट है, जापान ने बनाई है। और वो रोबोट क्या काम करती है, आप उसके अंदर बटन दबाओ और उसको लिख दो वाटर, पानी लाओ, तो वो रोबोट मशीन है, उसमें बिजली है, कंप्यूटर है, वो ठप 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 करके जहां पानी रखा वहां जाता है, पानी का वो टूटी खोल के लेता है और वापस आके आपको पकड़ा देता है। मशीन है, आदमी नहीं है। भोजन भी ले आता है। और ये भी होने लगा जो दुकान है आपकी बाहर जहां से सब्जी खरीदते हो, वो रोबोट आप बाहर दरवाजे पर लाके सड़क पर छोड़ दो उसको बटन दबाकर, कि वहां तक इतनी दूरी पर जाकर के वो दुकान है वहां से ये सब्जियां ले आओ, सब्जियों के नाम भी लिख दो उसमें। वो रोबोट वहां जाएगा, उसके अंदर से स्लिप निकलेगी और वो खरीद के उसके कंधे पर टांग देगा, वो मशीन ला करके आप तक पहुंचा देगी। मैं इनको ये कह रहा था, जैसी शिक्षा प्रणाली आज हम लोगों ने अपना ली है, हम लोग मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकले नहीं हैं। आज भी 70 साल की आजादी के बाद अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश के अंदर लागू की थी, आज वो की वो हमारे देश के अंदर चल रही है। मुझे बताओ, हमारे देश की राष्ट्रभाषा का अपमान, उसको दासी बना दिया, और जो बाहर से आई हुई भाषा थी आज वो मालिक बनी हुई है, घर की रानी बनी हुई है। अंग्रेजी स्कूल के बिना आज हम लोगों का गुजारा नहीं है, हम उसके नीचे पूरी तरह से आ चुके हैं। और उसमें जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये कहीं नहीं आता कि माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेने से क्या क्या लाभ होता है। अभिवादन शीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु विद्या यश और बल किनके बढ़ते हैं, जो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते, जो माँ के चरण स्पर्श करके विद्यालय जाते हैं, आके चरण स्पर्श करते हैं, पिता के चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भाई के, बड़े ताऊ के, बड़े दादा के पैर छू के आशीर्वाद मांगते हैं, अपने अध्यापक के जाके पैर छू के आशीर्वाद मांगते हैं। ये शिक्षा थी। और आज जब बच्चा निकलता है, हेलो डैड, हेलो मम्मी, ये डैड क्या चीज है पता आपको, अंग्रेजी में डैड का अर्थ होता मरा हुआ। तो हम डैड कहके पिता को क्या सम्मान दे रहे हैं, जरा मुझे बताइए। हम लोगों ने पकड़ लिया हेलो डैड और मम्मी। मम्मी कौन है, जो सबसे पुरानी लाश मेडिकल कॉलेज में रखी हुई है शीशे के उसमें, उसको कहते दिस इज मम्मी। मरे हुए आदमी की लाश का नाम मम्मी है। हम लोग ये शिक्षा दे रहे हैं और इस शिक्षा के अंदर कहीं दीक्षा नहीं है, इसलिए दीक्षा का महत्व तो बहुत बड़ा है। अपने जीवन में दीक्षा लेना सीखो, अपने जीवन में अज्ञान मिटाने की दीक्षा लीजिए, अपने जीवन में गरीबों की मदद लेने का दीक्षा लीजिए, अपने जीवन में समाज और देश को आगे बढ़ाने की दीक्षा लीजिए, अपने जीवन में माता पिता आदि की सेवा करने का व्रत लीजिए, अपने जीवन में अच्छाइयां धारण करने का व्रत लीजिए। कोई नशे की आदत है छोड़ दो, कोई और गलत आदत है छोड़ दो, जुआ खेलने की आदत है छोड़ दो, चुगली करने की आदत है छोड़ दो, चुगली ना करके कुछ कहीं ईश्वर भक्ति के गीत ही गुनगुना लो, वाणी तो पवित्र हो जाएगी। हम लोग ये सब नहीं करते। और आखिरी चीज है यज्ञ, यज्ञेन प्रतिष्ठित है। तीन बातें मैंने आपको बताई, अगर जीवन को सफल करना है और आखिरी वक्त हंसते हुए जाना चाहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने पूरा जीवन परोपकार में बिताया, मैंने पूरा जीवन श्रद्धा से ओढ़ करके बिताया, मैंने पूरा जीवन व्रतों के साथ बिताया, अनुवृत्ति पितु पुत्रो, पिता का जो बेटा है वो अनुवृत्ति होना चाहिए अपने पिता के व्रतों को पूरा करने वाला, बेटा भी बेटी भी। पिता के जो व्रत हैं, अर्थात पिता के जो कार्य हैं, पिता के जो संकल्प हैं, पिता की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको हम पूरा ना करें और व्रत करते रहें, भोजन छोड़ के बैठे रहें, इससे क्या निकलेगा, थोड़ा पेट को तो आराम मिल जाएगा। सप्ताह में या 15 दिन में या 2 महीने में करोगे तो थोड़ा मशीन को कम काम करना पड़ेगा, रोज खा खा करके भी तो हमने बहुत परेशान कर रखा है। मैं व्रत करने का तरीका स्वास्थ्य के लिए आपको बता देता हूं। इतवार का दिन रख लो, इतवार के दिन सारे के सारे व्रत किया करो,
नींबू का पानी पियो सुबह, दिन में फिर पियो, शहद मिला लो एक चम्मच और शाम को भी पियो, तो क्या होगा, छह दिन से जो मशीन बहुत ज्यादा काम कर रही थी खाने को और उसको पचाने में, खाना भी तो बहुत भारी बन गया आजकल। ऑयली खाना खाते हैं, तेल से बना हुआ खाना खाते हैं और दुनिया भर की जहरीली चीजें मिल गई हैं, सब्जी में, फलों में, मिठाइयों में, सब कुछ में। उससे मशीन भी गड़बड़ हो रही है, मशीन का मुकाबला बहुत सख्त पड़ रहा है पेट में, इसलिए उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हर इतवार को उपवास कर लिया करो, व्रत कर लिया करो। किंतु बाकी व्रत करने, अगर पिता की करवा चौथ का कह रहे थे ये अपने कुलदीप जी, करवा चौथ का अगर आपको करना है कि पति की उम्र बढ़े, तो बहनों व्रत एक ही करना कि अगर पति के जीवन में कहीं कोई नशे की आदत पड़ गई हो, उसके पैर पकड़ो, उसको मनाओ, उसको धमकाओ, उसको समझाओ, सारे परिवार को इकट्ठा करके उसके सामने बैठ जाओ भूख हड़ताल करके कि नहीं, हमारे परिवार की कुल परंपरा में ये शराब कहीं नहीं आती, इसको छोड़ दो। ये करो व्रत, व्रत ये करो कि मां के पेट में बेटियों को मरने नहीं देना। हम तो ये कहते कहते थक गए, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, जहां माताओं को मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद माना जाता है, अर्थात माँ बच्चे का पहला गुरु है, वहां देवता निवास करते हैं। किंतु कैसा जमाना और कैसा समाज देखने के लिए हमको मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ पर देखते ही देखते माँ के पेट में एक फूल सी कली जो अभी खिलना चाहती है और उसकी आवाज बेचारी की कोई सुन नहीं रहा है और उसको हम बड़ी दरिंदगी से मार करके फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म और पाप हो रहा। व्रत करो तो ये व्रत करो कि मेरे रहते, मेरे परिवार में या मेरे गली मोहल्ले में या मेरे समाज में, आगे आने वाले भविष्य में किसी भी बेटी को इस तरह से निर्मम हत्या हम नहीं होने देंगे। व्रत करना सीखो, ये है दीक्षा। और इस सारे के लिए आपको गृहस्थ जीवन में पांच कर्तव्य जो मैंने कल बताना शुरू किया था, मैं समझता हूं उस कर्तव्य को बताऊंगा आखिरी में, ताकि आपके घरों में स्वर्ग आ जाए। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का मैंने उदाहरण देकर कहा था, योगेश्वर कृष्ण ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, महाभारत में आख्यान आता है, हे पृथ्वी, हे वसुंधरा, हे, ये तो बता दो हम गृहस्थियों को जीवन कैसे सफल बनाना है। तो वहां पर उत्तर देती है पृथ्वी माता कि योगेश्वर कृष्ण, अगर तुम जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो ऋषियों का, देवताओं का, अतिथियों का, माता पिता, दादा दादी आदि का सत्कार करो, इनकी पूजा करो। फिर पूछा इनकी पूजा कैसे करें, सत्कार कैसे करें, ये भी बता दो। तो फिर उन्होंने कहा देवताओं का की पूजा करो हवन यज्ञ करके, अतिथियों की पूजा करो, उनका सत्कार, उनको घर में बिठाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके, माता पिता, दादा दादी आदि का सत्कार करो, उनकी बढ़िया सेवा, उनकी शुश्रूषा करके, इससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। सारी की सारी जीवन की सफलता का निचोड़ बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में सीमित है, अगर उन्हीं को हम पकड़ लें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी पूजाएं आपके जीवन में आ जाएंगी।